और आप सेट हो जाओ। तो ये लिस्ट है, आप ये देखेंगे तो सोचेंगे कि एम्बुलेंस कितने कम कीमत पे हम खिदमत देने को जा रहे हैं, बहुत कम कीमत में। इंशाल्लाह इसके कॉपीज हम सबको देंगे। 10 किलोमीटर तक हम सिर्फ 300 रुपए ले रहे हैं, 15 किलोमीटर को 600 ले रहे हैं, 20 किलोमीटर के मामले में 1000 है, 30 किलोमीटर से अगर हम जाते हैं तो 150 है। जहराबाद मन्नाइत के लिए, हलीखेड़ वगैरह के लिए 1800 ले रहे हैं, भाल की औरात के लिए 2000 है, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और गुलबर्गा हैदराबाद के लिए हम 2500 तक ले रहे हैं। सभी को अस्सलाम वालेकुम। BBS हॉस्पिटल के सभी जिम्मेदार डॉक्टर्स और ट्रस्ट के चेयरमैन सेक्रेटरी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज छोटा सा एम्बुलेंस का ओपनिंग हुआ है, तो बहुत ही कम रेट में बहुत ही, मैं समझता हूँ एम्बुलेंस मंगाना है तो 1000-2000 रुपये स्टार्टिंग में कहीं भी जाओ ले लेते हैं, लेकिन 300-600 ऐसा बहुत ही कम से शुरुआत किए हैं। इसी तरह डायलिसिस का भी बहुत ही कम, 350-400 ये बहुत ही कम है, 1000-1500 के ऊपर है दूसरे जगह। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खासकर सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम एक बार अच्छा सा आगे घंटा दो घंटे टाइम देखें इस हॉस्पिटल के लिए, आगे फ्यूचर प्लान क्या क्या है, उसमें हमसे क्या क्या हेल्प हो सकता है और गवर्नमेंट से क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर इसके बारे में करेंगे। क्योंकि ये बहुत कम लोग ऐसा आगे बढ़ के आते हैं, जब डॉक्टर्स सभी शहर के जिम्मेदार सभी लोग जब आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ बटाएँ। तो मैं भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे 100-bedded हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 10-bed का डायलिसिस का सिस्टम चालू करना बोल के ऑलरेडी प्रोसेस चालू किया हूँ, इसलिए जल्द से जल्द वहाँ का भी डायलिसिस गवर्नमेंट का वो भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऑलरेडी 4 मशीन मंगाया हूँ, अभी 6 मशीन आने वाले हैं। हमारे डॉक्टर सोहेल है, कब चालू कर देना तो सर प्लेस दे दिए हैं सर, सब आपका अप्रूवल होकर सभी हो जाएगा सर। 10 मशीन्स का प्रोग्राम वहाँ पे गवर्नमेंट का डायलिसिस का भी चालू करेंगे। और ये हॉस्पिटल BGS मैं समझता हूँ बिदर के हिस्ट्री में वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल बनना चाहिए खिदमात के लिए। ऐसा तो बहुत से हॉस्पिटल हैं जो खिदमात बहुत ही कम प्राइस में जो कर रहे हैं, कोई खिदमात है। और कई जगह मैं बयान में सुन गया हूँ कि नमाज रोज़ा हज ऐसी कई चीज़ों से खाली ये सवाब का काम है या खुद के लिए है, लेकिन खुदा अगर अल्लाह को देखना चाहता है तो खिदमत में देखिए। बिल्कुल कई बयानों में सुना हूँ, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ इसके लिए मैं सभी को बहुत ही शुक्रिया। 300 रुपये में 10 किलोमीटर जाएंगे जी, तो अगर पेट्रोल का हिसाब डालेंगे तो उतना नुकसान होगा, उसके बारे में नहीं। सभी को पहले तो सभी को और बीदर के लोगों को खुश आमदीद है। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की तरफ से हम लोग एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं आज ही से। एम्बुलेंस सर्विसेज में भी बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट के अक्सर क्या होता है, सिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, कोई और पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस ही जाना पड़ेगा। वैसे लोग जो घरों से है जाना चाह रहे हैं कोई भी हॉस्पिटल, उनको इमीडिएट सर्विस हमारे एम्बुलेंस के से थ्रू एक अफोर्डेबल रेट में, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा फ्री सर्विस देंगे हम, अफोर्डेबल रेट में जो भी आपको प्राइवेट एम्बुलेंस के फीस दिखेंगे उससे एक अराउंड 40% हमारा रेट कम है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हैदराबाद जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस की फ़ीस 4500 रुपये है, हमारे यहाँ 3000 रखी गई है।
जो आपका सवाल था कि डीजल का किराया तकरीबन 2500 के अराउंड रहता है, तो 500 जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा आता है, तो हम यहाँ पर नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चला रहे हैं। डीजल का खर्चा और जो भी एक ड्राइवर का अमाउंट हम आपको निकालना है मंथली, वो दोनों मिलाकर हम नॉन प्रॉफिट पर चला रहे हैं, एकदम चैरिटी नहीं। लेकिन हमारी एक ड्रीम है कि आगे जब लोग और ताउन करेंगे, जो भी अहले खैर हजरात जो भी यहाँ पर अच्छे लोग हैं, वो अगर हमको ताउन करेंगे तो हम कुछ केसेस को फ्री भी सर्विस देने के लिए हमारा ये ड्रीम है। एक्चुअली हेल्पिंग हैंड सोसाइटी इन द नाउ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಗೈನಕೊಲಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸುವಿಧಾ ಇತ್ತು. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ವತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಹಮಾರಾ ಏಕ ಡ್ರೀಮ್ ಹೇ ಪೆಹ್ಲೆ ಸೇ ಭೀ ಜಬ್ ಸೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬನಿ ಥೀ ಕಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಮೇ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್. ಯೇ ಹಮಾರಾ ಪೆಹ್ಲೆ ಸೇ ಲೋಗೋ ರಹಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೇ ಹೈ ಜೋ ಭೀ ಹಮಾರಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಬನ್ತಾ ಹೈ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಪರ್ ಏಕ ಏಕ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾ ತಾವುನ್ ಸೇ ಏಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಯಂ ಹೋ, ಯೇ ಹಮಾರಾ ಡ್ರೀಮ್ ಹೈ. 24 ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ 24 ಅವರ್ಸ್. ಒಂದು ನಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. कॉन्टैक्ट नंबर 8700200000, इस नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मकसद जैसा भी सर बता रहे थे, कुछ भी खिदमत नहीं, उसका मेंटेनेंस निकल गया, गाड़ी का मेंटेनेंस निकल गया तो हमें रफ है, उससे कोई अर्निंग्स करना नहीं है. विथ क्वालिटी सर्विस के साथ आप कभी भी कहीं से भी कॉल करिए, कहीं पर भी जाना है तो वहाँ पर ले जाकर छोड़ा जाए.